टूडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर एट बॉडी मूवमेंट्सल्यूटली स्टिल दैट मीन्स की हमें एकदम अच्छे से शांति से बैठ जाना है नाउ ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रेन There are so many movements that happen in our bodies. So here हमें क्या करना है एकदम शांत बैठ जाना है पहले then हमें अच्छे से हमारी body में जो movement हो रही है that we have to observe. तो ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चलेगा कि हम क्या करते हैं हमारी आईज है वो eyes को ब्लिंक करते हैं टाइम टू टाइम देन वेन we वी आर टेकिंग ब्रीथ तो वो टाइम पे भी बहुत सारी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोट बुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड सो यहाँ पे जब भी हम हमारी नोटबुक में लिखते हैं कुछ तो वो टाइम पे हमारा कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है अवर हैंड सिमिलरली अगर हम टर्न बैक करते हैं अगर हमारे पीछे कोई चीज कड़ी है या हमारा फ्रेंड है पीछे तो हम जब भी पीछे घूमते हैं तो वो टाइम पे क्या हमारा मूव होता है हमारी जो नेक है दैट वी आर मूविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दिस एग्जाम्पल सो so, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिए उसमें हमने दे देखा कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है वो मूव होते हैं बट हम खड़े तो हैं एक ही जगह पे ऑल दो जो बॉडी के पार्ट्स है दैट वी कैन मूव यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू दी स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल यू वॉक रन स्कीप जम्प एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो यहाँ पे हमने जो पहले एग्जाम्पल देखे उसमें हमने एक जगह पे खड़े रह के हमारी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट्स होती है वो हमने देखी जैसे कि हमारी जो आईज है वो ब्लिंक होती है जब भी हम पीछे देखते हैं सो इन दैट केस वी टर्न ओवर नेक बट यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल एक ही जगह पे खड़े होके देखे बट अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हूँ तो वो टाइम पे क्या होगी हमारी जो लेग्स है वो लेग की मूवमेंट आएगी और बाय द हेल्प ऑफ लेग मूवमेंट वी कैन रन वी कैन वॉक स्कीप जंप एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनदर प्लेस

कैसे मूवमेंट होगी और एनिमल के केस पे कौन से बॉडी पार्ट है जिससे मूवमेंट होगी ये हम देखेंगे टेबल नंबर एट पॉइंट वन में सो हियर टेबल नंबर एट पॉइंट वन इज हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो यहाँ पे एनिमल के केस में एनिमल्स है वो एक प्लेस के दूसरी प्लेस पे जाने के लिए कौन से बॉडी पार्ट को यूज करते हैं और कौन से बॉडी पार्ट से मूव करते हैं दैट वी आर सीइंग इन दिस टेबल सो यहाँ पे फर्स्ट एनिमल है काउ सो काउ बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो कौन सा बॉडी पार्ट यूज होगा तो यहाँ पे काउ का लेग्स यूज होंगे नाउ हाउ डज द एनिमल मूव लास्ट में कॉलम है हाउ डज एनिमल बू तो काउ कैसे बू करेगी बाय वॉकिंग सो विथ देल्प ऑफ फ्लैग्स बाय वॉकिंग काउ बू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नाउ अभी हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ह्यूमन्स सो ह्यूमन के केस में भी कौन सा बॉडी पार्ट मूव करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा लेग्स नाउ हाउ डज एनिमल मूव तो उसमें भी क्या हो जाएगा एनिमल मीन्स की ह्यूमन बिंग है यहाँ पे तो ह्यूमन बिग भी, भी कैसे मूव करेंगे बाय वॉक सो यहाँ पे ह्यूमन के, so, के केस में बॉडी पार्ट हो जाएगा लेग्स और मूवमेंट कैसे होगी बाय वॉकिंग नाउ लेट्स कम टू दी स्नेक तो स्नेक में कौन सा बॉडी पार्ट मूव होगा होल बॉडी स्नेक के केस में होल बॉडी है वो मूव होगी और कैसे मूव होगी मूवमेंट होगी स्लीदर स्लीधरिंग मूवमेंट सो यहाँ पे हो जाएगा स्लीधर स्लीधर बीस ऐसे ऐसे करके जो पूरी सरफेस पे रेंगते हुए जाना स्लीधर बीस मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस दैट मींस की रेंगते या सरकते हुए जाना उसको हम बोलते हैं स्लीदरिंग नाउ नेक्स्ट वन बर्ड तो बर्ड के केस में क्या हो जाएगा कौन सा बॉडी पार्ट होगा बर्ड के केस में हो जाएंगे विंग्स सो so, यहाँ पे आ जाएंगे विंग्स नाउ अभी मूवमेंट कैसे होगी बर्ड्स क्या करते हैं फ्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लाई नाउ नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट तो इंसेक्ट के केस में क्या हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट के अकॉर्डिंग उनके बॉडी पार्ट भी अलग होते हैं कुछ इंसेक्ट्स है वो लेग से मूव करते हैं वायरलेस कुछ इंसेक्ट है वो उनके पास विंग्स होते हैं सो so, यहाँ पे हो जाएगा लेग्स आइदर विंग्स और मूवमेंट कैसे होगी सो मूवमेंट भी हो जाएगा जिसके पास लेग्स होंगे वो क्या करेगी? वॉक करेगी और जिसके पास विंग्स होगे वो क्या करेंगे वो फ्लाई करेंगे सो so यहाँ पे बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ इंसेक्ट जो बॉडी पार्ट और मूवमेंट है वो डिफर करेगी एंड लास्ट वन इज फिश तो फिश के केस में क्या हो जाएगा फिश के केस में कौन सा बॉडी पार्ट मूव करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा होल बॉडी बिकॉज फिश में भी क्या होल बॉडी बू होगी और यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगी बाय स्विमिंग बिकॉज फिश क्या करती है स्विम करती है वॉटर में सो so यहाँ पे हो जाएगा मूवमेंट में स्विम सो ये हो गया हमारा टेबल नंबर एट पॉइंट वन की जिसमें हमने दे देखा कि जो डिफरेंट एनिमल्स है वो कौन से बॉडी पार्ट का यूज करके उनकी मूवमेंट है वो करते है वॉक रन फ्लाई जम्प

और एल्स यहाँ पे ऐसे पूछा है की ऐसा क्यूँ है की स्नैक है वो स्लीडर करता है या तो फिर क्रोलिंग करता है वैरस जो फिश है वो स्विम करती है वाई इज इट सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मोमेंट्स लेटेस्ट लुक क्लोजली एट समू मेक विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटी ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा की सारे एनिमल्स में डिफरेंस क्यू है उनकी मूवमेंट में इसको जानने के लिए पहले हम ह्यूमन में ही क्यू एक्टिविटीज डिफरेंट है क्यू मूवमेंट डिफरेंट है वो हम जानेंगे डू यू एन्जॉइन डुइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज So, यहां भी हम स्कूल में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और वो टाइम पे हम क्या करते हैं हमारे हैंड्स और लेग्स को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं और बाय दी हेल्प हैं ऑफ हैंड्स एंड लेग्स वी डू परफॉर्म डिफरेंट एक्सरसाइज लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स ऑफ अवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ सो so, हम कुछ मूवमेंट्स ट्राई करके देखते हैं कि जो हमारी बॉडी कर सकती है यहाँ पे क्रिकेट में हमें अगर बॉल थ्रो करना है विकेट पे तो वो टाइम पे हम हमारे बॉल को कैसे थ्रो करेंगे और हम हमारा हैंड है उसको आम है उसको हम कैसे मूव करेंगे डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्क्यूलर मूवमेंट सो हम क्या करेंगे हमारा जो हैंड है उसको क्या करेंगे शोल्डर के साइड से सर्क्यूलर मोशन में मूव करेंगे डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव सो क्या इसकेस में हमारा शोल्डर भी मूव करेगा लाइट आर्म एंड रोटेट योर लेग एट दिप मैंड योर आर्म एट दल्बो एंड द लेग एट द डी यहाँ पे क्या बोला है लाइट आउन दट मीन्स की हमें नीचे सूर जाना है और उसके बाद जो हमारे लेग है उसको फ्रॉम द हिम हमें रोटेट करना है एल्बो सो एल्बो के साइड से हमें हमारे आर्म से उसको बैंड करना है एंड द लेग एट दी एंड लेग को डी की साइड से हमें बैंड करना है स्ट्रेच योर आर्म साइड वेज बैंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स नाउ अभी हमारे आर्म को हमें स्ट्रेच करना है जिससे हमारे फिंगर्स है वो हमारे शोल्डर को टच करे ऐसे ही हमें हमारे हैंड को बैंड करना है विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड तो यहाँ पे हमने जो फिंगर्स शोल्डर को टच कराने के लिए हमारा कौन सा पार्ट है वो हमने बैंड किया स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बैंड इट डाउनवर्ड्स नाउ अब हम क्या करेंगे हमारे आर्म से उसको स्ट्रेट कर लेंगे और उसको बैंड करेंगे आई यू एबल टू डू इट क्या हम ये चीज कर पा रहे है दैट वी हैव टू चेक ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड द मूवमेंट इन टेबल नंबर एट पॉइंट टू सो so, यहाँ पे हमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड लेग्स वो हमें परफॉर्म करने हैं और उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे टेबल नंबर एट पॉइंट टू है उसमें हमें नोट डाउन करने है वाई इज इट दैट वी आर एबल टू डू अ फ्यू पार्ट ऑफ अवर बॉडी इजिली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन डायरेक्शन सो ऐसा क्यों होता है सकते है बट वेर एज कुछ ऐसे बॉडी पार्ट है जिसको हम ओनली एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते है ऐसा क्यू होता है वाई आर वी अनेबल टू मूव साउंड पार्ट्स एट ऑल और ऊपर से कुछ ऐसे बॉडी पार्ट से कि जिसको हम मूव ही नहीं कर सकते तो टू इज इट सो इसके पीछे क्या रीजन है सो टू नो द रीजन बिहाइंड ऑल दिस क्वेश्चन वी विल सी सम एक्टिविटीज एक्टिविटी नंबर वन इज प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन देंटर एज शोन फिगर नंबर एट पॉइंट हमें क्या करना है एक स्केल लेनी है और उसको हमें हमारी जो आम है उसको हमारी एल्बो के बीच में सेंटर में रखते हुए उसको कुछ इस तरह से अरेंज करना है जैसे कि हमारी एल्बो है वो बीच में आ जाए और हमारा पूरा आम है वो कवर्ड हो जाए आस्क योर फ्रेंड To tie the scale and your arm together, now try to bend your elbow. Are you able to do it? Now अब हम क्या करेंगे हमने यहाँ पे ऐसे scale arrange कर दी. Now अब हमें कोई भी हमारे फ्रेंड या तो और कोई भी पर्सन को हम बोलेंगे कि ये क्या करे ये जो स्केल है उसको हमारे आम के साथ अच्छे से दोनों जगह से टाइट कर दे जैसे कि ये जो स्केल है वो मूव नहीं कर पाएगी दैट मीन्स कि वो खिसक नहीं जाएगी नाउ अब अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप इज अभी हमें हमारे जो एल्बो है उसको हमें मूव करना है एल्बो मींस ये बीच वाला पोर्शन So, यहां से हमें हमारी एल्बो से हमें हमारा बेंड करने की ट्राई करनी है ऑफ अवर बॉडी सीम्स टू बी ज्वाइन टूगेदर लाइक एल्बो शोल्डर और नेक तो यहाँ पे जब भी आप हमारी एल्बो को बैंड करना ट्राई करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा वी आर अनेबल टू बैंड आवर एल्बो वाई रीजन बिकॉज है उसको हमने अच्छे से हमारे आपके के साथ बांध के रखा है दैट इज वाई वी आर अनेबल टू मूव और वी कैन सी बैंड अवर एल्बो नाउ यहाँ से हमें क्या नोटिस करने को मिलेगा कि हम वही पार्ट को वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेस वेर टू पार्ट ऑफ अवर बॉडी सीम्स टू बी ज्वाइंट टू गैदर तो यहाँ पे हम वही बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हैं बैंड कर सकते हैं या तो फिर रोटेट कर सकते हैं कि जहाँ पे कुछ टाइप के ज्वाइंट्स हो ज्वाइंट टूगेदर दैट मीन्स की एल्बो शोल्डर और नेक एल्बो में दो यहाँ पे एल्बो में क्या होता है एल्बो में यहाँ पे ज्वाइंट है हियर एल्बो में एक इतना पोर्शन होता है एक यहाँ पे इतना वाला पोर्शन होता है और हियर एट दिस प्लेस क्या होता है ये दोनों मॉन्स से वो कनेक्ट होता है दैट मीन्स कि यहाँ पे ये यह ज्वाइनिंग पॉइंट है और ये ज्वाइनिंग पॉइंट कौन सा है एल्बो सो दैट मीन्स कि जहां जहां पे भी ज्वाइंट्स होते हैं वहां से हम जो हमारे बॉडी पार्ट है उसको क्या कर सकते हैं बैंड कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं दिस प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो ऐसे प्लेस को हम क्या बोलेंगे ज्वाइंट कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स इफ आवर बॉडी हैज दो यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर us टू मूव in एनी वे एट ऑल सो यहाँ पे अगर आप सोच सकते हैं या तो फिर अगर हम सोचे कि अगर हमारी बॉडी में ऐसे कुल जॉइंट्स होंगे ही नहीं तो क्या हम हमारी बॉडी को मूव कर सकेंगे द आंसर इज नो बिकॉज विदाउट जॉइंट्स इट इज नॉट पॉसिबल टू बेंड रोटेट और मूव आवर बॉडी वट एग्जैक्टली इज ज्वाइंटेड टूगेदर एट दिस ज्वाइंट्स सो so, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ज्वाइंट हैं वहां पे कौन से पार्ट है जिसको ज्वाइंट किया गया है नाउ प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड फेस नेक नोस इेक ऑफ शोल्डर हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोस सो so, यहाँ पे जितने भी बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं उसके अगेंस्ट भी हमें फिंगर प्रेस करनी है सो so, उससे हमें क्या फील होगा डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर तो उस टाइम पे हमें ऐसा फील होगा कि कुछ एक हार्ड चीज है कि जो हमारे फिंगर के अगेंस्ट भी प्रेस की जा रही है और वो हार्ड चीज कौन सी है दैट इज नोन एज अ बोन सो हियर द हार्ड स्ट्रक्चर आर दोन्स रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी सो मैनी बोन्स सो ये एक्टिविटी हम दूसरे पार्ट्स में भी कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा की हमारे बॉडी में कौन कौन सी जगह पे बोन्स है बोन्स कैन नॉट बी बैंड सो हाउ डू वी बैंड अवर एल्बो इट इज Not one log bond from upper arm to our wrist. So यहाँ पे बोला गया है कि जो बॉन्ड्स है वो bend नहीं हो सकती. So यहाँ पे ये केस में हम सोच सकते है की हमारा जो आम है हमारा हाथ है उसमें एल्बो को हम कैसे बैंड कर सकते हैं? जबकि यहाँ पे बोला गया है कि बॉन्ड को बैंड नहीं कर सकते सो so, यहाँ पे इसके आंसर में बताया गया है कि इट इज नॉट वॉन्ग बॉन्स फ्रॉम अपर आम टू रिस्ट सो देट मींस की हमारा जो हाथ है जो हमारा आम है ये यहाँ से करके यहाँ तक एक ही आम नहीं एक ही बॉन्न नहीं होता है देट मीन्स की फ्रॉम द अपर मोस्ट पोर्सन टू दिस्ट एरिया देर इज नॉट अ सिग्नल बॉन्न एक ही बॉन्न नहीं है वहाँ पे दूसरी भी बॉन्स अवेलेबल है और अल्टीमेटली एल्बो की साइड पे वो से उसको ज्वाइंट कर दिया है दैट इज़ से हमारा जो है वो बैंड हो सकता है सो इट इज डिफरेंट जॉइंट ज्वाइंट टूगेदर द एल्बो सिमिलरली देर आर वेरी बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी सो यहाँ पे मैंने आज जैसे आपको बोला कि जो बोन है उसको ज्वाइंट किया गया है एल्बो के साइड से दैट इज वाई वी कैन बेंड और रोटेट आवर एल्बो बिकॉज एल्बो है वो कौन सा पार्ट हो गया ज्वाइंट वाला पार्ट हो गया सिमिलरली देर आर वेरी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ दी बॉडी वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एंड दो वेर मोन्स बीट So, यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि हम हमारे बॉडी पार्ट्स को बैंड वहां से ही कर सकते हैं जहां पे ऐसे बॉन्ड है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड हो दैट मीन कि ज्वाइंट प्लेस पर से ही हम हमारे जो मूवमेंट्स है या तो फिर बैंड करना या तो रोटेट करना वो हम ज्वाइंट सेक्शन है वही से परफॉर्म कर सकते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन अवर बॉडी to help us carry out different movements and activities. So यहाँ पे बताया गया है हमारे body में different different joints है की जिससे हम different activities or movement carry out करते हैं Let us learn about some of them. So अब हम next part में इसके बारे में कौन कौन से बैंड है कौन कौन से ज्वाइंट है और वो कहा से हम उसको बैंड करके बैंड कर सकते हैं दैट वी विल लर्न इन दी नेक्स्ट पार्ट